कोरोना महामारी के बाद से लोगों में हार्ट अटैक के मामले अक्सर देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार दिल का दौरा पड़ने जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए लोगों को CPR की ट्रेनिंग दे रही है। क्या है ये CPR तकनीक, इसकी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। जिस तरह से देश के युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई एक चिंता का विषय है। सही समय पर लोगों को इलाज ना मिलने से उनकी मौत भी हो रही है। सरकार समय समय पर इसके लिए कैंप लगाती है और लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग भी देती है। केंद्र सरकार ने बुधवार को तकरीबन 10 लाख लोगों को CPR तकनीक की ट्रेनिंग दी है, जिसे आजमाकर काफी हद तक हार्ट अटैक के जोखिमों से बचा जा सकता है। इस टेक्निक से बिना समय गवाए लोगों की जान बचाई जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक साथ 10 लाख लोगों को इस CPR तकनीक की ट्रेनिंग दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने भी CPR की टेक्निक सीखी। देश भर में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले के बाद जान बचाने के लिए तत्काल CPR दिया जाना काफी प्रभावकारी माना गया है। इसी जागरूकता के लिए देश भर में 10 लाख से अधिक लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये जानना भी जरूरी है क्या होता है CPR, जो हार्ट अटैक की जोखिमों से लोगों को बचाता है। दरअसल CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन एक इमरजेंसी जीवन रक्षक प्रक्रिया है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। CPR प्रोसेस में मरीज की छाती को दबाना और मुंह से सांस देना होता है। इस प्रोसेस को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और इसके लिए उस पीड़ित को पहले किसी ठोस जगह पर लिटाया जाता है और CPR देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। मरीज की नाक और गले की जांच कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं आ रही। मरीज के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग की जाती है। एक से दो बार ऐसा करने से धड़कने फिर से शुरू हो जाएंगी। पंपिंग करते समय दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उंगलियों से बांध लें और उसके बाद अपने हाथ और कोहनी को सीधा रखें। हथेली से छाती को 1 से 2 इंच तक दबाएं और 1 मिनट में 100 से 120 बार प्रेशर इसमें दिया जा सकता है। ऐसा 20 मिनट से 50 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि सरकार दे रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कार्डियक अरेस्ट के बाद तत्काल CPR से बचने की संभावना 2 गुनी या 3 गुनी हो सकती है। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो या वो सांस नहीं ले पा रहा हो या किसी हालत में बेहोश हो जाए तो CPR से उसकी जान बचाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले CPR दिया जाता है और इसके अलावा अगर किसी को बिजली का करंट लग जाए, पानी में डूब जाए या दम घटने लगे तो उस स्थिति में भी CPR का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।